इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। एक कुत्ता था जो कि भटकते भटकते जंगल के रास्ते चलता ही चला जा रहा था। तभी उसके सामने एक शेर आ रहा था। शेर को आते देख कुत्ते की सांसें रुक गई और उसने मन ही मन सोचा, आज तो मेरा काम तमाम हो गया। फिर उसके सामने कुछ सूखी हड्डियां दिखी। वह आते हुए शेर की तरफ पीठ कर कर बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक और मिल जाए तो पूरी दावती हो जाएगी। और उसने जोर से डकार मारा। इस बार शेर सोच में पड़ गया। शेर ने सोचा, यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, जान बचाकर भागने ही में भलाई है। और शेर वहां से जान बचाकर भागा। एक पेड़ पर बैठा बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, यह अच्छा मौका है शेर से दोस्ती करने का, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ और उससे जिंदगी भर का जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। वह फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया, कोई लोचा जरूर है। इधर बंदर ने शेर को सारी कहानी बता दी कि कैसे कुत्ते ने शेर को बेवकूफ बनाया। शेर जोर से दहाड़ा और कहा, चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म कर देता हूँ। और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया। कुत्ते ने शेर को आते हुए देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया, मगर फिर भी कुत्ता हिम्मत कर उसकी तरफ पीठ कर कर बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को भेजे हुए 1 घंटा हो गया, बेवकूफ एक शेर को फंसा के नहीं ला सकता। यह सुनते ही शेर ने बंदर को वहीं पटका और वापस पीछे भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में अपना आत्मविश्वास कभी ना खोएं और हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क ही करें, क्योंकि जीवन की यही असली सफलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।